हेलो। आवाज़ में घबराहट, इसका मतलब फोटोज तो मिल ही गए होंगे। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़ चैनल चलाती हो ना, बस तुम्हारे ही न्यूज़ चैनल पे तुम्हारी ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। एक घंटे में पुराने किले के पास मिल, वरना तेरी ये प्राइम टाइम फोटोज दुनिया का हर बंदा देखेगा। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो मैम, हियर इज द स्क्रिप्ट। शो कैंसिल मैम, बट इट्स प्राइम टाइम, कैंसिल नहीं कर सकते हम मैम, सारी ब्रांड्स चली जाएंगी। कोई है? है? कौन है? क्या बात है मैडम? आप तो डर गई। कौन हो तुम और मेरे फोटोज क्यों माफ किए? विवेक, क्यों कर रहे हो ये सब और क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? वही जो तुम्हें मिला था, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करके। वो विवेक मॉलेस्टेशन स्टोरी का क्या हुआ? मैम स्क्रिप्ट इज रेडी, बट एक बार आप लाइव जाने से पहले उसे रीड कर लीजिए, बिकॉज पूरे स्क्रिप्ट में विवेक कल्प्रिट शो हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? मैम जिस जगह मॉलेस्टेशन हुई है वहाँ मैं खुद गई हूँ, मैंने लोगों से बात करी है, विवेक इज इनोसेंट, उस लड़की ने फेक एलिगेशन लगाई है उस पर। अगर ये स्टोरी दिखा के TRP आ रही है तो इसे रन करो, मुझे सिर्फ चैनल की TRP से मतलब है और कुछ नहीं। ये तो वही है, ब्लडी मॉलेस्टर। भाई साहब मालवीय नगर चलोगे? दिल्ली शहर में अब लड़कियां रात को क्या दिन में भी फेक ये सब करते हैं, तुमको शर्म नहीं आ रही है? पहले मालवीय नगर में विवेक नाम के एक लड़के ने एक लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश। अरे ये सब झूठ है, मैंने नहीं किया। चलो आटा जाओ। विवेक विवेक तुम्हें कल से नौकरी पाने की जरूरत नहीं है। इस बात को तो 5 साल हो गए। हाँ अभी तक इस बात को लेकर बैठा हूँ मैं, क्योंकि तुमने अपने मिर्च मसाले के चक्कर में उस लड़की के रोज इंटरव्यू लिए और मुझसे एक बार भी बात करना तुमने जरूरी नहीं समझाना। 5 साल हो गए हैं, कोई कंपनी मुझे जॉब नहीं दे रही है, ये शहर तक छोड़ना पड़ गया मुझे। आज भी जब सड़कों पे निकलता हूं ना तो लोग मुझे देखकर हंसते हैं, क्योंकि कोर्ट ने किसको क्लीन चिट दी है और किसको सजा ये तुमने अपने चैनल पे दिखाना जरूरी नहीं समझाना। देखो मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर एक काम कर सकते हैं ना, मैं तुम्हें अपने शो पे बुलाती हूँ और फिर हम क्लैरिफाई कर देंगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और कोर्ट ने तुम्हें एक्विट कर दिया है ना। बस अब तुम इन फोटोज को लीक मत करना, ठीक है? ये तुम्हारे हस्बैंड का नंबर है ना? देखो ऐसा कुछ मत करो प्लीज। इंटरनेट ऑफ है मेरे फोन का। फोटोज डिलीट कर दिया मैंने, तुम भी अपने फोन से कर देना। I'm really sorry. अगर इतना ही शर्मिंदा फील कर रही हो ना तो आज के बाद अपनी TRP के चक्कर में किसी इनोसेंट को मत फंसाना।